नमस्कार, आपण पाहताय लोकसंदेश न्यूज आणि मी स्मिता यादव। पाहूयात काही विशेष घडामोडी। सरकार ने जो तीन कानून लाई है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो कमियां हैं उसके बारे में अभी कृषि मंत्री ने हमको कहा है, इसमें जो कमियां हैं वो टेबल पे बैठेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम उसका भी सरकार का स्वागत करते हैं। विरोध करने के लिए कोई तथ्य चाहिए, किसी के कहने पे आप विरोध मत कीजिए। खुली व्यवस्था की तरह हमको जाना पड़ेगा, WTO को हमको मानना पड़ेगा और उसमें जो कमियां और खामियां हैं उसके साथ निगोशिएशन करके हमको वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में जाने के लिए किसानों को तैयार करना पड़ेगा। तब तक आप किसानों को दया बोलेंगे, गरीब बोलते जाएंगे, हम गरीब ही रहेंगे। हम नहीं चाहते, हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा, और हम बाजार को जिंदा रखना चाहते हैं। इसी चीज का भाव ना सरकार तय करेगी ना हम तय करेंगे, बाजार तय करेगा। उनका कहना है कि ये जो तीन कानून है वो काले कानून है। हमारा कहना है जो मंडी तंत्र है और सरकारी तंत्र है, जब तक उससे हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें अपनी फसल का भाव नहीं मिलेगा। आप जिसने मंडी में जाना उसकी भी आजादी है, अगर वो खुले बाजार में अपने खेत में, खलिहान में, सड़क पे जहाँ बेचना चाहे। इस आंदोलन का अब राजनीति करना हो चुका है। पहले किसानों का आंदोलन था लेकिन अब लाल झंडे वाले और दूसरे के तत्व उसमें शामिल हो सके, वो चलते नहीं है कि किसान मुद्दे पे चर्चा और समाधान हो। इसलिए वो समाधान को निकालना नहीं चाहते और इसलिए इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। अब ये लड़ाई पर्सनल होगी, अब ये लड़ाई होगी मोदी की और जो वामपंथी और ये दूसरे गुट है, ये तो अब सत्ता की लड़ाई है। लेकिन किसान सत्ता नहीं चाहता, किसान अपनी फसल का भाव चाहता है, किसान अपनी की कीमत चाहता है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी।